अभी तक सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कह चाह रहे थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा मोदी साहब पर चल गया है। यहाँ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मोदी साहब को नोटिस जमा दिया है। खबर बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच क्या तकरार चल रही है, सुप्रीम कोर्ट सरकार से सवाल पूछ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जमा दिया है। नमस्कार, मैं रफी खान, आप देख रहे हैं जीवन मेरी। चुनाव आयोग मोदी साहब पर अब सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चल गया है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है इस केस को। जो मोदी साहब ने जो कानून बनाया था उसको अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा भी इनके ऊपर चल गया है, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग मोदी सरकार को नोटिस थमा दिया है। अब इनको जवाब देना होगा सुप्रीम कोर्ट में कि आपने सीजेआई को क्यों हटाया था। आपको बता दें कि जो चुनाव आयोग की नियुक्तियों को लेकर जो फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि जो आप चुनाव आयुक्त को चुनते हैं, जो मुख्य वो चुनते हैं, उसके अंदर आप सीजेआई का नाम भी रखोगे और जो लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है उसका भी एक मेंबर आपको रखना होगा, तभी आप चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकती हो। लेकिन मोदी सरकार ने एक कानून बना दिया था जिसमें सीजेआई को बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस थमा दिया है और तत्काल जवाब देने के लिए कहा है। अभी तक सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कह चाह रहे थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा मोदी साहब पर चल गया है। यहाँ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मोदी साहब को नोटिस जमा दिया है। खबर बड़ी है, इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि देश की जनता को भी पता चले कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच क्या तकरार चल रही है, सुप्रीम कोर्ट सरकार से सवाल पूछ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जमा दिया है, लेकिन सरकार अपनी मनमानी कर रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा मोदी साहब पर चला है। दोस्तों अब ये मनमानी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों खबर बहुत बड़ी है, क्यों आज सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयोग के राजीव कुमार को हटा सकता है। आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, ये है राजीव कुमार, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है। अब खबर यही है कि राजीव कुमार को हटाया जा सकता है, इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह केस पहुंच गया है। दोस्तों जो मनमानी मोदी साहब कर रहे थे वो अब नहीं होगी, अब इनको हटा दिया जाएगा और इसी को लेकर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जमाया है। क्योंकि दोस्तों जिस सीजेआई के पास याचिका गई है वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़, आप इन्हें अच्छे तरीके से जानते होंगे, इन्होंने लगभग 1 साल में 52,000 केस को निपटारा कर दिया था। यह आज तक के रिकॉर्ड में सबसे बड़ा केस था दोस्तों, जो देश के अंदर अभी चल रहा है यूएम को लेकर और चुनाव आयोग को लेकर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ये सीजेआई अब नवंबर में रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले माना जा रहा है कि ये सीजेआई साहब इन दोनों केसों का निपटारा कर सकते हैं, इसीलिए मोदी साहब में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि मोदी साहब खुद डरे हुए हैं उनसे कि जैसे जैसे ये सीजेआई को विदाई हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब मुख्य चुनाव आयोग के राजीव कुमार को भी हटा सकते हैं और ईवीएम मशीन पर भी अपना फैसला सुना सकती है। ये दो ही फैसले हैं सबसे बड़े जिनको मोदी साहब को डर लग रहा है इन फैसलों से कि आखिर कि डीवाई चंद्रचूड़ इन पर फैसला ना सुना दे। मोदी साहब अपने मनपसंद के सीजेआई को यहाँ पर रखना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देंगे। और ये सीजेआई ने साफ साफ कह दिया था कि आपको मुख्य चुनाव आयोग को चुनने के लिए सीजेआई को भी रखना होगा साथ में और इस कमेटी में शामिल करना होगा, लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार ने एक नया कानून बना दिया था जिसमें सीजेआई को बाहर कर दिया गया था और इसी कानून को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया और मोदी साहब को नोटिस दबा दिया। अब इनकी विदाई हो सकती है, इनकी विदाई का खौफ इन्हें है दोस्तों, इन मोदी साहब को बहुत खौफ है इनकी विदाई का। तब भी आज सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच तकरार होती रहती है, हर बार इसी मुद्दे पर आकर अटक जाता है पेज, लेकिन अब की बार सीजेआई साहब अच्छे मूड में है। अगर देश के अंदर मोदी साहब में जो खौफ है वही इन्हीं की वजह से है दोस्तों, इन्हीं से खौफ करते हैं मोदी साहब, क्या पता कब कौन से केस पर हथौड़ा चल जाए सीजेआई का, इसीलिए इनसे खौफ करते हैं मोदी साहब। खबर बड़ी है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग के चीफ राजीव कुमार को हटाया जा सकता है। अब दोस्तों जैसे ये खबर आई चुनाव आयोग में खलबली मच गई है, चुनाव आयोग में हड़कंप मचा हुआ है, सरकार और चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा चला दिया है। दोस्तों खबर बड़ी है और खबर तब बड़ी हो जाती है जब पूर्व सीजेआई का एक बयान सामने आता है, और उससे भी बड़ी खबर तब हो जाती है जब कांग्रेस के नेता जया ठाकुर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा देते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है उस याचिका को और सुनवाई में शामिल करता है और सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जमा देता है। तो दोस्तों क्या आप भी चाहते हैं कि
चुनाव आयोग की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में होनी चाहिए या फिर मोदी साहब को इसी तरह से करनी चाहिए जिस तरह से चलती आ रही है। इस पर अपनी राय जरूर रखिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट जी।